रुद्रपुर के सुन्नी जामा मस्जिद में मैं दिखाऊंगा कि रमजान माह में किस खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। तो सीधी तस्वीरें आप हरपल न्यूज पर देख रहे हैं। अब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा कि रमजान माह की रौनक जो है वो किस तरह से नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि रमजान माह की रौनक गानों में खजला और फेनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं वो सहरी में और अफ्तियारी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बताइए कि एक चचा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। ये बताइए मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और ये कैसे कौन सी मस्जिद है? हाँ, रुद्रपुर उधम सिंह नगर जामा मस्जिद में है। अच्छा, जिस खूबसूरत तरीके से रमज़ान माह में सजाई गई है क्या कहेंगे? बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया सजाई गई है और ऐसी पहली बार सजावट हुई है यहाँ पर। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारा चाय का ये ठेला है, हम चाय बेचते हैं। कब से बेच रहे हैं? करीबन 40 साल हो गए। 40 साल से? 40 साल से आप बेच रहे हैं? तो 40 साल में ये पहली बार सजाई गई है? हर साल से सस्ती हर साल है, लेकिन ऐसी मस्जिद पहली बार सजी है। चलिए, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा बहुत बढ़िया सजावट हुई है इस बार, फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई है, बहुत लाजवाब, और अभी तक ऐसी डेकोरेशन हमने देखी नहीं है यहाँ पर। हमें यहाँ पर दुकान लगाते हुए 25 साल हो गए हैं, इस 25 सालों में अभी तक ऐसी डेकोरेशन नहीं देखी। और गुड्डू भाई ने जैसा अपना नाम दिया वैसे उससे बेहतर काम दिया है, काम बहुत बढ़िया गुड्डू भाई का। क्या करते हैं आप? मेरा खजला फेनी का ये है, रमज़ानों में सिर्फ लगाता हूँ, वैसे मेरा पेंट्री का काम। तो रमज़ान माह में खजला फेनी का इस्तेमाल लोग खाते हैं और शहरी में भी इस्तेमाल? जी हाँ, बिकती है बहुत अच्छी तरीके से, लोग बहुत चाव से खाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लोग खरीद के लेके जाते हैं और बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि रुद्रपुर में जो सुन्नी जामा मस्जिद को उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम साहब, कैसी लग रही है मस्जिद? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। इस बार सबसे ज़्यादा अच्छी खूबसूरत सजाई गई है, डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। और हमें यहाँ पर रहते हुए 2.5 साल हो गए, हम ज़िला मुरादाबाद के हैं, यहाँ पर हम जॉब करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आदत बहुत अच्छी है। पूरा महीना काफ़ी अच्छा रहा, नमाज भी अच्छे से होती यहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती दंगा फसाद वाली, यहाँ के बहुत लोग अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशमत अली है। कहाँ पर हैं? मैं यहीं रहता हूँ। कहाँ पर? यहीं घोटिया में रहता हूँ मैं। अच्छा, तो आज क्या हो रहा है? आज ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये प्रोग्राम जो है तो पहली बार हुआ है, हकीकत में पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे जिस खूबसूरत तरीके से सजाई जा रही है, पहले कभी देखी थी आपने इस तरह? ना, पहले इस तरह नहीं हुई थी कभी। ना, तो किसने सजवाई है ये? गुड्डू धूम। अच्छा, तो अभी मैंने उनसे बात की, ऐसे ही देंगे और जो मस्जिद है उनको सजाना चाहिए इसी तरीके से? इसी तरीके से सजाना चाहिए, जहाँ पर भी आपका प्रोग्राम हो तो इसी तरीके से सजाना चाहिए। जो खूबसूरती जो है जैसी दिख रही है ऐसी खूबसूरती आनी चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बस जो अच्छा है सब कह रहे हैं, सब खुदा खुश हो जाए। ये कमेटी की तरफ से, सब कमेटी की तरफ से। तो गुड्डू धूम आपको किस तरह से मेहनत लगती है, कैसे रामपुर से रुद्रपुर आना? वही मेहनत है, अब खुदा बुलाता है तब सब करा जाता है। बच्चे की मेहनत है मेरी, जैसे बच्चे मेरे करते हैं और दिल से करते हैं, पैसे मुँह नहीं देते हैं, दिल से काम करते हैं मेरे सब बच्चे। मैं रुद्रपुर में मौजूद था, मैंने आपको दिखाया कि रुद्रपुर की जामा मस्जिद जिस खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रामपुर से ज़िशान खान।